हेलो बच्चों, नानी माँ दादी माँ का किचन में आपका स्वागत है। आज मैं मटन का नमकीन बनाने जा रही हूँ। उसके लिए देखिए, ये आधा किलो मटन है, ज़्यादा इसमें हड्डी नहीं होना चाहिए, एक आध दो पीस हो तो चलेगा, ज़्यादातर ये इसमें गोश्त ही होना चाहिए, हड्डी कम होना चाहिए और इस तरह से तर गोश्त होना चाहिए। सबसे पहले आप कुकर ले लें, कुकर में ये डाल दीजिए, मटन डाल दीजिए। ये मैं मटन अच्छे से धो ली हूँ, साफ से इसको धो लीजिए। इसमें ये मटन डाल दीजिए और एक चम्मच डेढ़ चम्मच आप लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दें और नमक डाल दें। नमक डाल के आप इसको गैस पर चढ़ा दीजिए, पानी नहीं डालना है, नमक एकदम अंदाज से डालना है, ज़्यादा नमक नहीं, अंदाज से ही डालिए। ये देखिए मटन गल गया और इसको मैं गला ली हूँ पूरा अच्छे से। ये गल गया, इसमें एक आध पीस हड्डी का भी था, जो हड्डी छोड़ दिया है। अब इसको आप एक तरफ रख दें। अब एक कढ़ाई ले लीजिए, उसको गैस जलाकर उस पर चढ़ा दीजिए। अभी मैं गैस जला दी हूँ और उस पर कढ़ाई रखी हूँ। अब इसको आप इस कढ़ाई में उझल दीजिए। और इसको तेज आँच पे अच्छे से भूज दीजिए, एकदम पूरा अच्छे से इसको भूज लेना है। ये देखिए, ये मटन एकदम लाल हो चुका है। अब इसको आँच धीमा कर दीजिए या बंद ही कर दीजिए। ये मटन को निकाल लें, इसमें जो तेल छोड़ा है उसको आप निकाल लीजिए। देखिए ये सब पूरा तेल छोड़ दिया है ये मटन, अब इसको आप तेल को पूरा निकाल लीजिए। ये मैं मटन निकाल ली एक प्लेट में और मैं पूरा तेल निकाल ली हूँ कढ़ाई में से। और इस तेल से इस कढ़ाई में आप इसको डाल दीजिए और आँच को एकदम ही धीमा रखना है, या तो थोड़ा देर के लिए आप बंद कर सकते हैं आँच को। अब इसमें आप एक चम्मच मिर्चा डाल दीजिए अपना तीखा खाने के हिसाब से, और एक चम्मच गरम मसाला डाल दीजिए। गरम मसाला और एक चम्मच आप चाट मसाला डाल दीजिए। ये देखिए ये चाट मसाला है, इसको भी डाल दीजिए और सबको मिला दीजिए। ये नमकीन गोश्त एकदम तैयार हो गया मटन। अच्छे से सबको आप मिला लें। ये अब तैयार हो गया, मटन भी खूब अच्छे से गल गया है। ये हड्डी भी देखिए, हड्डी छोड़ दिया था। अब इसको एक प्लेट में आप निकाल लें और इसको खाने के लिए आप ऐसे भी खा सकते हैं, बिना कोई चावल का या बिना रोटी का, या फिर रोटी या चावल से भी आप खा सकते हैं इसको। अब जैसे इसको आपको अच्छा लगे, खाने में बहुत ही लजीज होता है। ये नमकीन मटर तैयार हो गया और आप लोग इस तरह से बनाएं, आप लोग को अच्छा लगेगा खाने में। आप लोग ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ।